हेलो गाइस, वेलकम टू आरबी ब्लॉग्स। और हम आज जा रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉमिस किया था, कल जगह दिखानी थी आपको, जो अपना पंजाब हिमाचल बॉर्डर एरिया है। तो चलते हैं वहाँ पे। सी यू गाइस। ये फुल वीडियो है। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे ब्रिज पे, जो ब्रिज आपको दिखाया था हमने, वो जो एक हिमाचल बॉर्डर है एक साइड उसके ब्रिज की, और दूसरी साइड है जो वो पंजाब बॉर्डर है। ये साइड है, ये वाली जो साइड है वो हिमाचल बॉर्डर है, और ये वाली जो साइड है ये वाली वो पंजाब बॉर्डर है। और ये आप जैसे देख सकते हो, ये चक्की जो मैंने आपको दिखाई थी, पानी आज बारिश की वजह से कितना ज़्यादा पानी हो गया इसमें। तो गाइस, आप जैसे कि देख रहे हो, वो जो पत्थर दिख रहा है गाइस आपको, वहाँ तक पिछले साल इतना पानी आ चुका था कि पूरी भर गई थी पूरी बारिश के कारण। हाँ, तो जैसे ही मतलब बरसात में तो ऐसा होता है कि इतना पानी आ जाता है कि ऊपर तक पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा। इंसान ये अभी पानी देखने में इतना कम लग रहा है, पर ये पानी बहुत ज़्यादा है। इसमें मतलब आराम से एक बंदा डूब सकता है, आराम से डूब सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हिमाचल का ठेका है अपना, यहाँ पे सस्ती दारू मिलती है, और अपने पंजाब में सबसे महंगी दारू मिलती है, और हमारे वहाँ से आते हैं हिमाचल में दारू लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सस्ती है। और सामने वो खड़े हैं, वो एक्साइज वाले, वो सामने देख रहे हैं, एक्साइज वाले खड़े हैं, तो देखते हैं कि जो बंदा आएगा दारू यहाँ से लेके जाएगा पंजाब वाला, उनको पकड़ेंगे, तो इसलिए वहाँ पर खड़े हैं वो सामने। गाइस, जैसे कि आप वो सामने पहाड़ देख रहे हो, वो जोध के पहाड़ हैं, जो कि चंबा के नियर बाय पड़ता है। वहाँ पे आप देख सकते हो स्नोफॉल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी है वहाँ पे, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ इलाके में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, और जिससे कि है तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट मंथ तक ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर एक दिन बारिश होने से मतलब काफ़ी असर हुआ है, जिससे मतलब ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हो, कल हमने बिल्कुल जैकेट नहीं पहनी थी, रात को इतनी बारिश हुई कि अभी तक बारिश लगी थी, अभी जस्ट अभी बंद हुई है, तभी हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। हाँ गाइस, इतनी मतलब सुबह से मतलब कल रात से बारिश हो रही है, और आज शाम तक बारिश चली है, मतलब रुकने का नाम नहीं लिया बारिश ने, धुआंधार बारिश हुई है। शायद रात को भी हो। हाँ, शायद रात को भी आ सकती है, अभी तक मौसम बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, कल हम टी शर्ट में थे, और आज हमने देखो जैकेट पहनी हुई है, मतलब जो भी है, मैंने स्वेटशर्ट पहनी हुई है और इसने जैकेट पहनी हुई है, तो इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है आज बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा हो गई है। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, हम अभी ब्रिज पे खड़े हैं, और ब्रिज के मतलब हिमाचल की साइड में थोड़ा आगे जाके एक टोल है, वहाँ पे टोल प्लाजा पे क्या होता है कि 40 रुपये की पर्ची कटती है, जो भी पंजाब से हिमाचल में एंटर करता है उसकी 40 रुपये की पर्ची कटती है, तभी वो आगे हिमाचल में एंटर कर पाएगा, अदरवाइज़ तो उसको जाने नहीं देते हैं। पर्ची तो मैंडेटरी है उसको, मतलब टोल वहाँ पे कटवाना, तभी आगे जा पाएगा, अदरवाइज़ उसको आगे नहीं जाने देंगे। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि गाड़ियाँ इतनी सारी हैं पुल में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चलती रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा चलती रहती हैं गाड़ियाँ, 24 घंटे चलता रहता है यहाँ पे रोड। आप मतलब रात को, आधी रात को भी आ जाओगे, 12 बजे आ जाओगे, 1 बजे आ जाओगे, यहाँ पे आपको गाड़ियाँ चलती हुई मिलेंगी, बहुत चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो छोटी गाड़ियाँ हो, कुछ भी हो, मतलब
24 घंटे ये रोड चलता ही रहता है। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आपको आज हम लेके आए यहाँ पे दिखाने के लिए ब्रिज जो हिमाचल और पंजाब के एरिया को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। और मतलब इस ब्लॉग को हम कंटिन्यू तो करना चाहते थे, बट बारिश जहाँ तक हमें लग रहा है कि बारिश आ सकती है ना, बारिश का मौसम बन रहा है ना विशाल, बारिश आने लगी है, बादल एकदम काले हो चुके हैं, देख लो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसी के साथ हम आज का अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहते हैं, क्योंकि इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते चाहते हुए भी, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम भीग जाएंगे बारिश में, क्योंकि बारिश का पता नहीं है कि कभी भी आ सकती है। बिल्कुल, तो इससे हम अभी चलेंगे तो तभी घर पहुंच पाएंगे गाइस। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से हमारे घर का जो रास्ता है वो है 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, जिससे मतलब हमें पहुँचने में भी टाइम लगेगा। गाइस हम आपको अपने घर का रास्ता दिखाते हैं, वो सामने वो जो पहाड़ी दिख रही है, वो सामने वाली जो है, वो सामने वाली गाइस वहाँ पे जाना है हमने। वो मंदिर दिख रहा होगा आपको, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, वो देख लो गाइस, वो सामने छोटा सा वाइट वाइट दिख रहा है वहाँ पे। गाइस इसी के साथ हम ब्लॉग अपना एंड करते हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग अपना अपलोड करेंगे, और देखते हैं कहाँ जाते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए, कौन सी लोकेशन चूज़ करते हैं, कहाँ जाएंगे, वो तो नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने व्यूज़ हमारे साथ, ताकि हम पढ़ सकें और अपने मतलब जो भी है अपनी वीडियोस पे काम कर सकें अपने ब्लॉग्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।